अगर किसी को डायबिटीज है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं कि नहीं? आंसर इज यस। हेयर ट्रांसप्लांट एक इलेक्टिव प्रोसीजर है जिसमें हम पीछे के ग्राफ्ट को निकालते हैं, उसमें पोटेंशियली एक स्किन ब्रीच होता है एंड इन द सेम इन द फ्रंट एरिया जहाँ पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं वहाँ पे हम स्लिट्स बनाते हैं। तो अगर आपका इवेल्यूशन के टाइम में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ है और आपने मेडिसिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, देन इट्स बेटर कि आप फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, आपकी जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कीजिए। वंस आपके शुगर कंट्रोल होने के बाद देन फिर आप डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, पहले से डिटेक्ट हुआ है एंड यू आर नॉट रेगुलर ऑन ट्रीटमेंट, आपके शुगर फ्लक्चुएटिंग है, देन फर्स्ट इट्स बेटर है कि आप शुगर को कंट्रोल कीजिए, देन ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन में अगर आपका ऑलरेडी डायबिटीज़ है, आपका शुगर कंट्रोल्ड है एंड यू आर रेगुलर ऑन ट्रीटमेंट, देन डेफिनेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे होता है कि कोई भी इलेक्टिव प्रोसीजर, मतलब मान लो किसी की डायबिटीज़ है, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑप केयर है उसी टाइम ऐसे भी आप एंटीबायोटिक कवरेज में रहेंगे, बट इनिशियल 5 to 6 days आप अवॉइड कीजिए कि बाहर एरिया में जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है, ज़्यादा डस्ट एरिया है, वहाँ पे ना जाए। और जब बाहर जाते हैं आपके जो सर्जिकल एरिया उसको अच्छे से, जो सर्जिकल कैप प्रोवाइड किया जाए उसको कवर करके रखें और उसको थोड़ा क्लीन रखें। तो इस सब प्रिकॉशन अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड डायबिटीज़ की वजह से ऐसे नहीं कि ये आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिजल्ट है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा।